हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इंडिया में बनाया हुआ एक हार्ट कंटेनर के बारे में बात करेंगे जिसने रिसेंटली जेम्स डायसन डिजाइन अवार्ड भी हासिल किया है। स्टैटिस्टिक्स बताता है कि हर साल इंडिया में करीब 50,000 हार्ट ट्रांसप्लांट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें से सिर्फ करीब 200 के आसपास की हार्ट ट्रांसप्लांट्स किया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अभी तक कोई एफिशिएंट ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस नहीं है जो हार्ट को लॉन्गर टाइम इंटरवल्स तक प्रिजर्व करके रख सके। इसी चीज का सलूशन लाता है ये लाइफ बॉक्स। अभी करेंटली हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में करीब 2 से 3 घंटे का ही एवरेज टाइम मिलता है, लेकिन इस नए डिजाइन की मदद से हार्ट को 6 घंटे का ट्रांसपोर्टेशन टाइम मिलेगा ट्रांसप्लांट के लिए। ये डिवाइस लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ड्राई आइस का इस्तेमाल करता है, जो बाकी सारी कूलिंग सिस्टम्स के कंपैरिजन में 91% कम पावर इस्तेमाल करता है, और इसमें मेटाबोलाइट्स एक्सचेंज के लिए बहुत सारे डिफरेंट फ्लूइड्स भी इस्तेमाल हो सकता है। हार्ट को स्टोर करने से पहले इस डिवाइस को कूल किया जाता है, और क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंसर्स मौजूद है तो हार्ट का कंडीशन हर वक्त इसमें मॉनिटर किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को IISc बेंगलोर के एक स्टूडेंट देवल कड़ेया और उनके प्रोफेसर्स ने मिलकर बनाया है, जिसे रिसेंटली जेम्स डायसन डिजाइन अवार्ड भी मिला है। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको और जानना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक लिंक भी दे दूंगा, और अगर आपको ऐसे ही साइंस वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।